नमस्कार दोस्तों, मैं अमित यमुनानगर हरियाणा से आप लोगों का नॉर्थ स्टार मशरूम फार्म पे स्वागत करता हूँ। ये जैसे कि आप देख रहे हैं, ये आज हमारे रैक्स का पेंट वर्क फिनिश हो गया। ये अलग से पाइप है, ऐसी रखे हुए हैं। कई लोग मेरे को मैसेज कर रहे थे और पूछ रहे थे आपने पफ पैनल सेकंड हैंड लगवाए हैं, तो हाँ ये हमने सेकंड हैंड लगवाए हैं। ये बड़ी मुश्किल से जाके मिले थे, हमें अरेंज करे हमने खुद के लिए, किसी ने मदद नहीं करी थी फिर भी किए। एक भाई पूछ रहे थे कि इन दो रैक्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। बाईस इंच का लिया हमने डिस्टेंस हर एक के अंदर, ऐसे ही इसमें, ऐसे ऊपर। और ये हमने फिफ्थ रैक पे जाके हमने इसको ये जाला बनवाया फिफ्थ रैक पे, क्योंकि ऊपर चढ़ के जब हमने चेक किया था तो मुश्किल हो रही थी, हम पहले फोर्थ पे बनवाने लगे थे। तो आप देख रहे हैं अब इसमें, इसके बाद पेट वायरिंग का काम बाकी रह गया। पेट वायर हमने ऑर्डर कर दिया है, पेट वायरिंग लग जाएगी इस पर। अभिषेक भाई हैं, अभिषेक मशरूम एसी मशरूम फार्म के, अभिषेक भाई ने हमें नंबर दिया था उनका पेट वायरिंग के लिए। और मैं आपको एक बार ऊपर से भी दिखाना चाहूँगा कि हमारे स्पेस कितना है कितना नहीं है। ये देखिए, बंदा बड़े आराम से चल सकता है। ये मैंने हाथ ऊपर किया हुआ अपना, यहाँ नॉर्मल है। ये देखिए, मैं इसके आराम से, मेरे को झुकने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ये देखिए आप, ये देखिए झुकने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, आराम से बंदा चल सकता है, आराम से दूर तक आ जा सकता है। ऐसे ही उधर है, ऐसे ही उधर है। इधर की साइड 15.5 फुट हाइट है, उधर की साइड हमने स्लोप दिया हुआ है, 14.5 फुट का हाइट है उधर। अभी इनके बीच में बस पेट वायरिंग का काम रह गया, उसके बाद वहाँ फ्रंट में एसी लगवाएंगे। डक्टेबल डक्ट यहाँ से जाएगी ऐसे ऊपर होते हुए हर रास्ते के ऊपर से। उसके बाद बस अभी एक दो दिन में इसमें इलेक्ट्रिसिटी का काम करवा देना। लॉकडाउन की वजह से थोड़ी परेशानी हो रही है, मगर कर लेंगे हम धीरे धीरे। ये हमने रास्ता छोड़ा है, इधर की साइड भी और उधर की साइड भी, दोनों साइड छोड़ा है चढ़ने के लिए। ये तो फिलहाल हम टेम्परेरी पौड़ी हमने लगा रखी है, लेकिन इसके बनाएंगे हम इसके लिए स्टेयर्स दोनों साइड, और जब नई ज़रूरत होगी तो इसके इसको कवर कर देंगे हम उसके बांस के, वो पौड़ी बनवा के, बांस का जंगला बनवा के ऐसे। बिल्कुल भी दिक्कत परेशानी नहीं है ऊपर चलने में, ना झुकना पड़ रहा है ना कुछ करना पड़ रहा है। और ये हमने हर एक के बीच में डिस्टेंस रखा है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। साढ़े 26 28 मान लो, टोटल 28 आखिरी जा रहा है, या 26.5 एंड स्टार्टिंग में मान लो, ऐसे ही इधर पाएगा। देखो 26.5 मान के चलो, 26.5 के हिसाब से हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पाइप ऐसे कटिंग में लग गए हमारे। 4.5 फुट की है पूरा टोटल स्पेस है, यहाँ से लेके यहाँ तक।
ये वाले जो रह गए हमारे 2.5 फीट के हैं, फिर ये 2.5 फीट का रास्ता है और ये 4.5 फीट के रह गए। अब इनमें हमारी पेट वायरिंग मंगवाई है हमने 25 किलो की, 25 किलो हमने ऑर्डर करी है, 25 किलो लग रही है इसमें। दूसरा रूम बनाएंगे अभी साथ में, अगले एक महीने में, दूसरे महीने में वो भी स्टार्ट हो जाएगा, वो भी बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये हमने 1.5x1.5 के एंगल लगाया हमने इसमें, 1.5x1.5 का 14 किलो 13 किलो वाली लेंथ लगाई है इसमें हमने। इस पर थोड़ा ठीक ठाक खर्चा आ गया है पर कोई बात नहीं। ये इस इनकी बात कर रहा था मैं, ये 1x3 के जो हमने सपोर्ट के लिए, पैनल की सपोर्ट के लिए लगाए हैं पाइप, वो हमारे पास गार्डर पड़े थे, घर पे ही पड़े थे, तो हमने इनका भी यूज़ कर लिया यहाँ पे। और फिर हमने सपोर्ट भी एंगल की सपोर्ट लगाई है सारे में, पाइप की सपोर्ट ज़्यादा सही नहीं लग रही थी, फिर हमने एंगल की सपोर्ट लगाई पूरे नीचे तक। और ये जो ये है चलने का रास्ता, इस पे हमने ये सरिये लगवाए हैं, ये हमने सेकंड हैंड लिए थे। इसमें ये प्लेन सरिये हैं, ये 4 सूत के हमने लगवाए हैं, चलने में बिल्कुल भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही इनमें, जैसे आप देख ही रहे हैं बिल्कुल भी झुकते नहीं आए, बिल्कुल हल्का सा भी बिल्कुल इनको वो नहीं है कि हाँ भाई कोई चल रहा है ऊपर। बीच में हमें ऐसे सपोर्ट लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी इसके नीचे, ये हमने साइड में इधर उधर जाने के लिए बनवाया हुआ है। पहले ये बनवा नहीं रहे थे, पहले पूरा ऐसा खाली छोड़ रहे थे, फिर आने जाने में बहुत दिक्कत होती, फिर हमने जाने के लिए सपोर्ट बनवा लिया यहाँ से। कोई भी कोना हमने ऐसा छोड़ा नहीं है जहाँ से रेस्टिंग की दिक्कत आ सके, हर कोने में पेंट हुआ है।